जो की बात की जाए, मैं देखता था कि भाई कैसे अंतिम जो मौर्य राजा था वृद्रथ, उसकी हत्या पुष्पमित सुंग कर देता है। तो पुष्पमित सुंग उसकी हत्या करता है, तो उसकी वजह से जो वंश बनता है उसे कहते हैं सुंग वंश। तो एक हमने पढ़ा हुआ सुंग वंश के बारे में। उसके बाद दूसरा जो वंश आता है वो आता है कर्ण वंश। ये उड़ीसा के आसपास वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। इसके अलावा और भी कुछ वंश जो भारत के क्षेत्र में बनते हैं, सातवाहन दक्षिण भारत में, ये आपको दिखेगा। साथ में संगम युग, ये भी दक्षिण भारत के क्षेत्र में। संगम युग में हमें तीन साम्राज्य दिखेंगे, चेर, चोल, पांड्या। संगम का मतलब क्या होता है? मिलन। तमिल कवियों की जो बैठक है उसी को कहते हैं हम संगम। इसमें कुछ किताबें ये लोग लिखेंगे, इससे इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में हमें पता चलेगा। तो ये सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जो देश के अंदर एक तरीके से विकसित हुए। एक और वंश हमें दिखेगा जो दक्षिण उड़ीसा में एक तरीके से देखेगा, जिसका नाम है चेदी। उसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, चेदी वंश। ये भी हमें पढ़ना है, चेदी वंश उड़ीसा। और इसके एक राजा हैं खारवेल, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कुछ चीजें की जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाथी गुफा अभिलेख बनवाएंगे, साथ में उदयगिरी में जैन जो भिक्षु हैं उनके लिए विहार बनवाएंगे, मतलब रहने का आवास। ये सारी चीजें एक तरीके से करते हैं। तो अब हम इनके बारे में धीरे धीरे देखेंगे, साथ में कुछ शासक जो भारत से बाहर के वो भी इनका आना होगा। सबसे पहले जो आएंगे वो है इंडो ग्रीक, ये रोमन एम्पायर तरफ से आ रहे हैं, यूरोप से, इसलिए इनको बोलते हैं इंडो ग्रीक शासक एक तरीके से आएंगे। साथ में शक का आना होगा भारत में, गुजरात के तट के आसपास वाले क्षेत्र में शक लोग एक तरीके से नियंत्रण करेंगे भारत के क्षेत्र में। इसके अलावा कनिष्क जिस साम्राज्य से जुड़े हुए थे और जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में एक तरीके से भारत के नियंत्रण करेंगे, उससे जुड़ा हुआ जो है कुषाण वंश, इसका भी आना होगा। इसके अलावा कुछ और यूरोपीय जिनको हम कहते हैं पार्थियन, इनके बारे में हमें पढ़ना। धीरे धीरे इतने सारे वंश हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इससे एक चीज तो पता चल रही है कि विशेषताओं के बारे में बात करें तो राजनीतिक स्तर पर विकेंद्रीकरण है। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, अब सत्ता का विभाजन हो चुका है, इसलिए इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो भारत में केंद्रीकरण ना होके विकेंद्रीकरण है, बहुत सारे साम्राज्य हमें दिखाई देते हैं। तो शक्ति का विभाजन एक तरीके से हो गया है। ये इनकी राजनीतिक स्तर पर दिखती है, और उसमें कुछ देशी राज्य हैं, कुछ विदेशी राज्य हैं, मतलब अलग अलग संस्कृतियों से मिलन भी होता है। कुछ जगह ब्राह्मण रूल करेंगे, कुछ जगह ये बाहर वाले जो विदेशी हैं वो भी रूल करेंगे, कुछ जगह जैन वाले हैं वो भी रूल करेंगे। तो अलग अलग विविधता हमें दिखाई देती है राजनीतिक स्तर पर, कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं है। और इसलिए भारतीय क्षेत्रों पर विदेशियों का आक्रमण करना भी आसान है। जब आप लोग एकता नहीं होती, जैसे फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, अगर परिवार में एकता नहीं होती तो बाहर वाले उनको पीट के जा सकते हैं, लेकिन अगर परिवार में एकता है तो कोई भी बाहर वाला उनको छेड़ नहीं सकता, क्योंकि सबको लगेगा ये अपना ही है। तो ये सारी चीजें एक तरह से होती है। ऐसे ही इस परिवार में जो हमारा राष्ट्र का परिवार था, इसमें धीरे धीरे फूट पड़ने लगी और लोगों को लगा कि भाई इनसे हमें क्या मतलब, इसलिए विदेशी आक्रमण हुए और उन्हें क्षेत्रों पर नियंत्रण भी किया। अगली बात, आर्थिक स्तर पर क्या चीज थी? आर्थिक स्तर पर काफी ज्यादा विकास हुआ। आर्थिक स्तर पर
ये काफी ज्यादा समृद्ध था, और समृद्ध इसलिए था क्योंकि इस समय भारत दो जगह से व्यापार कर रहा था। एक तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र जहां से हम लोग व्यापार कर रहे थे रोमन साम्राज्य से, रोमन साम्राज्य जो कहां पे था, रोम राजधानी है इटली की, वहीं पर रोमन साम्राज्य काफी ज्यादा फेमस था इस टाइम पीरियड में। इसके साथ भारत का व्यापार था और रोमन साम्राज्य कपड़े में मलमल का कपड़ा और साथ में भारत के मसाले, ये काफी ज्यादा चीजें इनके यहाँ जाती थी। और ये लोग दुखी भी होते थे, इनका एक जो दार्शनिक है वो बोलेगा भी कि हम लोगों ने विलासिता के चक्कर में, भारत से कपड़े और मसाले लेने के चक्कर में अपना सारा सोना चांदी भारतीयों को दे दिया है। उसके बाद वहां का जो राजा है थोड़ा सा नियम भी नियंत्रित करेगा और बोलेगा नहीं भाई, भारत से अब हर चीज नहीं मक्खन मांगनी, कुछ चीजें हम खुद भी बने। लेकिन भारत इस मामले में समृद्ध था और व्यापार जो था वो भारत के हित में था। साथ में इन लोगों को कुछ मसाले तो हमारे देश में ही मिल जाते थे, जैसे इलायची की पहाड़ियां हैं कार्डिमम दक्षिण भारत में, वहां पर इलायची होती थी, साथ में लौंग होती थी, तो अगली बात आती है समाज के स्तर पर क्या हुआ। राजनीतिक स्तर पर विकेंद्रीकरण, आर्थिक स्तर पर समृद्धि, काफी ज्यादा पैसा इनके पास है। क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार निर्यात करते हैं, साथ में आयात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया से, और वहां से भारत वाले लोग कहाँ भेजते हैं, रोमन साम्राज्य में, वो लोग हमें सोना चांदी देते। बात करते हैं समाज, समाज में क्या परिवर्तन हुआ। तो क्योंकि समाज में नए लोगों का आगमन हुआ, नई तरीके से दुनिया चलने लगी, उसी हिसाब से भारत में परिवर्तन हुआ। तो समाज में कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हुई, अलग अलग संस्कृति से मिलन हुआ, तो इसलिए समाज में हमारा परिवर्तन भी आया। तो बड़े संख्या में विदेशी लोग भारत आए। अब इन लोगों को भी भारतीय समाज में सम्मिलित करना था, इसलिए कुछ परिवर्तन हुए। अभी जो भारतीय समाज चार वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब ये जो आए इन लोगों को भी क्षत्रिय में शामिल करना था क्योंकि राजा थे। तो भाई कैसे क्षत्रिय में शामिल करो, तो क्षत्रिय का एक उपवर्ग बनाया गया और उसमें जो विदेशी शासक इंडो ग्रीक शक कुषाण आए या पार्थियन आए उन लोगों को भी शामिल किया गया। तो समाज में कुछ चीजें हमने उनकी ली, कुछ चीजें उन्होंने हमकी दी। जैसे हमारे यहाँ सिक्के बनते ही थे लेकिन सिक्कों पे हम डेट नहीं लिखते थे, लेकिन ये जो बाहर वाले आए सिक्कों पे डेट लिखते थे, तो हम लोगों ने भी सिक्कों पे डेट लिखना शुरू कर दिया। साथ में ये विदेशी लोग मूर्ति पूजा करते थे, हम लोग भी मूर्ति पूजा करने लगे, तो हमारे समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित हो गई। हमारे समाज में मंदिर बनना स्टार्ट हो गया। ये सारी चीजें मौर्य उत्तर काल में होती। पहले जो मौर्य के राजा थे वो कभी ये नहीं बोलते थे कि हम भगवान हैं, लेकिन ये लोग बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे कि हमें भगवान ने भेजा है, देवता की बात यहाँ पे होगी। और साथ में राजा की मूर्ति बनेगी और राजा की मूर्ति को भी
कहाँ रखा जाएगा? मंदिर में रखा जाएगा और लोगों से बोला जाएगा कि आप इसकी पूजा करो। ये सारी बातें भी हमारे समाज में एक तरीके से परिवर्तन लाएंगे। साथ में जब मूर्ति पूजा होगी तो साथ में भजन कीर्तन भी होगा, तो भारत में भक्ति की बात भी शुरू हो गई। अभी पहले लोग भी भक्ति करते थे, लेकिन वो लोग मूर्ति पूजा या आडंबर घी चढ़ाना ये सारी चीजें करना वो नहीं था। इन धीरे धीरे अब हमारे समाज में एक परिवर्तन होगा और ये लोग मूर्ति पूजा करेंगे और राजा अपने आप को दिखाएगा कि मैं बहुत महान हूं और मुझे भगवान ने भेजा है और मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, ये सारी बातें राजा बोले। तो यहीं से देवता की जो अवधारणा है वो आती है और भक्ति के बारे में लोग बात करते हैं। और पहली बार भारत में मूर्ति पूजा भी होती है, राजा की भी पूजा होगी, उनके भगवान की भी पूजा होगी और साथ में हमारे देश में दोबारा से ब्राह्मण धर्म का सशक्तिकरण होगा। इसलिए वो भी चाहेगा कि उसकी जो सम्मान बौद्ध और जैन धर्म ने खराब किया था उस सम्मान को वापस लाया जाए, इसलिए वो भी ये सारी चीजें करेगा। अगली बात जो आती है कि भाई इसी टाइम पहली बार भूमि दान, अब जब ब्राह्मण है तो कुछ मांगेगा भी ना, तो भूमि दान की प्रथा, यज्ञ होंगे अश्वमेध यज्ञ। और आपने कभी रामायण देखी होगी तो उसमें दिखाते हैं कि कैसे जब रावण को हराकर राम जी आते हैं तो उसके बाद उनके वहां भी अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ के बाद क्या होता है, एक घोड़ा, उस पर मोहर लगा दी जाती है और उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है। तो बोला जाता है जहां तक ये घोड़ा जाएगा वो सारा क्षेत्र किसका है, उसी राजा का जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। और अगर किसी को उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं है तो घोड़े को पकड़ सकता है और राजा को ललकार सकता है कि आप युद्ध करो। ऐसे ये लोग अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे और अश्वमेध यज्ञ कौन करेगा, ब्राह्मण, और उसके बदले में उसको क्या देंगे, भूमि दान। तो ब्राह्मण का भी सशक्तिकरण होगा और धीरे धीरे हम देखेंगे हमारे देश में सामंतवादी व्यवस्था भी होगी, जहां ब्राह्मण के पास जमीन होगी, उसकी सेना होगी, तो इसलिए और ज्यादा विकेंद्रीकरण हो जाएगा, छोटे छोटे राज और छोटे छोटे राज में तब्दील हो जाएगा। तो ये सारी विशेषता एक तरीके से हमें दिखाई देती है इस समाज में, तो ये सामान्य विशेषता जो परिवर्तन को दिखाते हैं। अब हम धीरे धीरे कुछ वंश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो वंश है हमारा वो है शुंग वंश। शुंग वंश में क्या क्या था, क्या क्या चीजें थी, ये हमें पता ही है कि भाई वृद्धरथ का वध करके या उसको मार के पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करता है और शुंग वंश को वो अपने हिसाब से चलाता है और अपनी प्रथाएं, अपनी परंपरा उसके बेस पे एक तरीके से चलाता है। सबसे पहले हमारी बात आती है शुंग वंश। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जानकारी के स्रोत कि भाई इसकी जानकारी के स्रोत हमारे पास क्या है। तो जानकारी के स्रोत में कुछ हमें स्तंभ भी मिलेंगे, कुछ पुस्तकें मिलेंगी। शुंग वंश जिसकी स्थापना मगध वाले क्षेत्र में ही किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने की और उसी के पीछे वाले नाम सरनेम के आधार पर इसका नाम बना शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की। इस पुष्यमित्र शुंग के यहाँ एक व्यक्ति रहता था पतंजलि, और आपने रामदेव जी की कंपनी का नाम सुना होगा पतंजलि। पतंजलि जो योग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी और ये कहाँ रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, उसके राजमहल में रहते थे। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है महाभास। उसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि भाई पुष्यमित्र शुंग ने कैसे अपनी प्रजा के साथ, तो वो बोलते हैं कि भाई पुष्यमित्र सही से रूल करते हैं, प्रजा के हित में काम करते हैं और इन्होंने सभी धर्मों के साथ एकता की भावना को भी बनाए रखा और अच्छे से राज्य किया। ये पतंजलि की महाभाष्य से हमें पता चलता है
और ये पुष्पमित सिंह से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, पुष्पमित सिंह के साथ ही रहते थे और पतंजलि और सुंगजी की अच्छी बनती थी। उसी में ये अपनी रचना लिखते हैं महाभास। ये सारी चीजें पतंजलि हमें बताते हैं। आगे कालिदास, कालिदास के बारे में सुना होगा, एक बहुत बड़े राइटर लेखक भारत के, जो कहानियां कविता ये सारी चीजें बहुत लिखते हैं। बहुत सारी इन्होंने प्रेम कथाएं भी लिखी हैं। ऐसी इनकी एक प्रेम कथा जिसका नाम है मालविक अग्निमित्र, मालविक अग्निमित्र, ये एक प्रेम कथा है मालविक की और अग्नि की। इस प्रेम कथा को लिखा है इन्होंने गुप्त काल में, क्योंकि ये गुप्त काल में ही थे। साथ में जिक्र करते हैं कुछ ना कुछ शुंग वंश का। पर इन्होंने बताया कि शुंग वंश के समय यवनों का आक्रमण हुआ, यवन मतलब कोई इंडो ग्रीक, यवनों का आक्रमण हुआ। इसके बारे में हमें पता चलता है कि भाई शुंग वंश को बहुत सारे लोगों से युद्ध लड़ना पड़ा, और उनमें कौन थे, इंडो ग्रीक या यवन भी थे। अगला एक यवन शासक का राजदूत भारत आता है, जिसका नाम है हेलियो डोरिस, हेलियो डोरिस, जो एक यवन राजदूत है, इंडो ग्रीक का राजदूत है। ये आएगा और ये पुष्पमित सुंग के दरबार में आकर एक स्तंभ भी बनवाएगा, गरुड़ स्तंभ। गरुड़ भगवान के बारे में आपने सुना होगा, जो बाज होता है उसी को हम कहते हैं गरुड़, और जिसको माना जाता है कि भाई कृष्ण जी का ही अवतार है, गरुड़ स्तंभ ये बनवाएगा। साथ में ये बताएगा कि भाई शुंग शासक जो थे वो भागवत धर्म को मानते हैं, भागवत कथा वथा जो होती है उसमें कृष्ण जी की गीता, साथ में उनके भजन, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये गरुड़ स्तंभ बनवाएगा इसी भागवत धर्म की याद में और राजा को खुश करने के लिए। तो ये भी कौन है, यवन है, और उसने यवन राजा ने हो सकता है भेजा हो, देख क्या हो कैसी हालत है भारत में, क्या हम लोग वहां पर नियंत्रण कर सकते हैं या नहीं, या हमें क्या फायदा हो सकता है। तो ये भागवत धर्म के सम्मान में बताता है, और इससे हमें पता चलता है कि शुंग वंश वाले जो राजा थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। इसी बेस पे वो भागवत धर्म, भक्ति की धारणा, वो सब यहाँ पे प्रचलित हुई। फिर एक राज्यपाल धनदेव, धनदेव एक राज्यपाल है। तो धनदेव अपना अयोध्या अभिलेख लिखवाएगा, और अयोध्या अभिलेख में कुछ बातें हमें दिखती हैं, और ये बताएगा कि पुष्पमित सुंग के यहाँ, या पुष्पमित सिंह जब राजा था तो उस टाइम क्या क्या चीजें होती थी, कैसे इनका जो प्रशासन था वो चलता था। ये एक तो चीज बताएगा कि भाई पुष्पमित सुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, एक तो ये बताएगा स्थापना किसने की उसमें लिखवाएगा, दूसरा ये बताएगा कि पुष्पमित सुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो किसी ने पूछा भैया क्यों करवाया, तो अश्वमेध यज्ञ इसलिए करवाया इसके समय यवनों ने आक्रमण किया, या इंडो ग्रीक जो शासक थे इन्होंने आक्रमण किया, और जब आक्रमण इन्होंने किया तो उसके बाद इसका एक पौत्र मतलब बेटे का बेटा, जिसका नाम वसुमित्र, वो काफी अच्छे से लड़ेगा।
और यवनों को हरा देगा। वसुमित्र और यवनों के बीच लड़ाई होगी, युद्ध होगा और यवन लोग हार जाएंगे, वसुमित्र जीत जाएगा। इसी की याद में पुष्यमित्र अश्वमेध यज्ञ करवाएगा और उसकी छाती थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी, जैसे मोदी जी कहते रहे मेरा 56 इंच का है, ऐसे ही इनका भी हो जाएगा। और ये बोलेंगे अब हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे और अपना घोड़ा छोड़ेंगे, और जिसमें ताकत हो तो हमारा घोड़ा पकड़ ले, उसे हमसे लड़ना पड़ेगा, अगर आप जीत गए तो ठीक, नहीं तो आप हमारे अंदर हो। तो अश्वमेध यज्ञ करवाता है, इसका जिक्र हमें धनदेव के अयोध्या में। तो शुंग वंश के बारे में पहली बात पतंजलि ने बताया महाभाष में, और ये पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। कालिदास गुप्त काल में लेकिन एक पुस्तक लिखेंगे मालविक अग्निमित्र, और यवनों का आक्रमण हुआ शुंगों पर, ये बात बताते हैं। एक यवन राजदूत आता है शुंग डायनेस्टी के टाइम में, होलियोडोरस यवन राजदूत आता है और वो गरुड़ स्तंभ बनवाएगा जो भागवत धर्म के बारे में बताता है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख ये बताएगा कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की और उसके लिए यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ, कब, जब उसके पौत्र वसुमित्र ने यवनों को हरा दिया। तो ये सारी बातें हमें शुंग वंश के बारे में पता चलती है कि शुंग वंश ने क्या क्या किया। अगला जो सेकंड वंश है उसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, कंड वंश। कंड वंश इसके बारे में बस इतना जानना है कि इसके संस्थापक कौन थे, अगर मैच करने के लिए आए, इसने कुछ ऐसा नहीं किया या कोई ऐसा राजा नहीं है जिसके बारे में हम ज्यादा पढ़े। तो कंड वंश चला भी बहुत कम समय तक, मुश्किल से 4-5 साल इन्होंने रूल किया। तो कंड वंश के जो संस्थापक थे वो थे वसुदेव। तो वसुदेव जो कृष्ण जी के भी पिता थे उन्हीं के नाम, तो वसुदेव एक तरीके से इसके संस्थापक थे, बस इतना ही इसके बारे में जानना, क्योंकि तो इसमें कुछ हुआ नहीं, ये कंड वंश। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण आता है जो मराठवाड़ा क्षेत्र में एक तरीके से विकसित हुआ, जहां पर छत्रपति शिवाजी ने मराठ साम्राज्य की निर्माण किया, वहां पर मिलता है सातवाहन। सातवाहन साम्राज्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसा साम्राज्य है जो महिला को काफी सम्मान देगा और यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। मात्र सत्तात्मक मतलब माता या महिला को काफी ज्यादा अधिकार है, और पितृ सत्तात्मक मतलब पुत्र को काफी ज्यादा अधिकार है, बेटी को कम है। और हम देखेंगे सातवाहन जो राजा हैं वो अपने नाम के आगे अपनी माता के नाम का उपयोग करते हैं, इसी से पता चलता है कि वो लोग कितने मात्र सत्तात्मक हैं। तो सातवाहन शासक जिनका निर्माण होता है मराठवाड़ा क्षेत्र में, सातवाहन वंश, और जैसे ही आप सातवाहन देख रहे हैं तो इसका मतलब ये सूर्य देवता के बारे में काफी ज्यादा मानते हैं, और सूर्य देवता के बारे में माना जाता है कि उनका जो रथ है उस रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, उसी के प्रतीक के रूप में इसका नाम पड़ा सातवाहन वंश। तो ये भी ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ वंश है। तो इसके संस्थापक की बात करें कि भाई किसने सातवाहन को बनाया, तो संस्थापक जो थे वो थे सिमुक। सिमुक ने इसको बनाया, और लग रहा है सातवाहन वालों को सासा बहुत पसंद है, तो सिमुक ने इसे बनवाया। साथ में इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र जो है मराठा वाला या महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो है वहां पर इन लोगों ने रूल किया, इस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, या एक तरीके से केंद्रीय भारत में अजंता एलोरा सतमाला सतपुरा इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं दक्कन के पठार में रूल करते हैं। साथ में इनकी जो राजधानी है जो इनका कैपिटल है वो कहां पे है, तो इन्होंने राजधानी जो अपना बनाया वो बनाया प्रतिष्ठाना। प्रतिष्ठाना इनका राजधानी बना, और इस राजधानी को प्रतिष्ठाना और एक और नाम से जाना जाता है पैठान, ये भी इनकी राजधानी थी, मतलब दोनों का निकनेम है, राजधानी वही थी, प्रतिष्ठाना या पैठान ये इनकी राजधानी थी। साथ में इनकी जो भाषा, तो भाषा में ये क्षेत्रीय भाषा का उपयोग काफी ज्यादा करते थे, तो प्राकृत
जो हम देखते हैं जैन धर्म के लोग भी इसका उपयोग करते हैं। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुकने क्षेत्र, मराठवाड़ा या दक्कन का पठार, राजधानी प्रतिष्ठाना या पैठान, भाषा प्राकृत। इसके कुछ फेमस रूलर, राजा, पहले राजा सतकर्णी, जिन्होंने काफी बड़े लेवल पर इस सातवाहन वंश को ऊपर उठाया। और सतकर्णी के बारे में जिक्र मिलता है कि इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, और 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया इसका मतलब ये काफी ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि 2 बार इसने अपना घोड़ा छोड़ा कि भैया जिसमें हिम्मत है इस घोड़े को पकड़े और मेरे से लड़ने आ जाए। और ये अश्वमेध यज्ञ ऐसे ही है जैसे आज के आज के आज में कोई पार्टी अपना संसद भवन बनवाए देश का, तो उसका काफी ज्यादा नाम होता है। ऐसे ही ये लोग उस टाइम अश्वमेध यज्ञ अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक तरीके से करते थे। साथ में इन्होंने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ किसके लिए? राज्य की आशीर्वाद के लिए, राज्य को बनाए रखने के लिए, लोगों में एकता को बनाए रखने के लिए। और ये ऐसा ही है जैसे आज के टाइम हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिससे कि हमारे लोगों में एकता की भावना आए। ये सारी चीजें एक तरीके से मिलती हैं। साथ में ये सिक्के भी बनाता है, और सिक्के पर, इसके सिक्कों पर श्री सात लिखा है, तो इन्हें 7 नंबर सबसे ज्यादा प्यारा था, इसलिए हर जगह श्री सात। तो इनके सिक्के पर श्री सात भी हमें दिखता है, और ये बात करता है कि भाई सतकर्णी फर्स्ट, सत्कर्णी प्रथम का ये सूचक है कि भाई सत्कर्णी प्रथम ने ये सारे सिक्के एक तरीके से चलाए। ये सारी बातें सत्कर्णी के बारे में पता चलती हैं। इन्होंने 2 बार अश्वमेध करवाया जो इसकी राजनीतिक ताकत को दिखाता है, राजसूय यज्ञ इसकी आर्थिक ताकत को दिखाता है कि इसने जनता को भोज भी खिलाया होगा, साथ में लोगों में एकता की भावना जोड़ा, इसका मतलब राजा जनता के समर्थन से ही रूल किया करता था। साथ में सिक्के पर श्री सात लिखवाया जो प्रथम सत्कर्णी का जिक्र करता है। अगले जो फेमस रूलर हैं वो हैं गौतमी पुत्र सत्कर्णी। नाम से ही पता चल रहा है इनकी माँ का नाम क्या है, गौतमी, और ये उनके पुत्र हैं, पर इनका नाम क्या है, सत्कर्णी। इसीलिए हमने कहा ये मातृसत्तात्मक है कि माँ का नाम पहले लगा। आज के समय में पिताजी का नाम आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में दिखता भी है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो नाम होता है उसके आगे पिताजी का नाम होता है, ऐसे ही वहां पे चलता है। ये कहीं ना कहीं सातवाहन की परंपरा का हिस्सा है, बस अब वो पितृसत्तात्मक हो गया है, पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता है इसलिए पिता का नाम लगवा। गौतमी पुत्र सत्कर्णी को बोला जाता है द्वितीय ब्राह्मण। तो बात आती है प्रथम ब्राह्मण कौन थे, प्रथम ब्राह्मण थे एक, आपने काफी ज्यादा नाम सुना होगा, परशुराम। परशुराम काफी ज्यादा फेमस है। जो परशुराम थे इनको एक बार एक चुनौती मिली। क्षत्रिय लोगों ने कहा कि भाई ब्राह्मण लोग हथियार नहीं उठा पाते, लड़ नहीं पाते, बस ज्ञान की बातें करते हैं। तो परशुराम थोड़े से गुस्से वाले आदमी थे, गुस्सा आ गया और इन्होंने हथियार उठा लिए और फिर सारे क्षत्रियों को मारा और बोला मैं दोबारा से इस सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूं और जो लोग पापी हो गए उनका विनाश करना चाहता हूं। ऐसी ताकत गौतमी पुत्र सत्कर्णी में थी, इसलिए इनको द्वितीय ब्राह्मण या द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है, और ये काफी ज्यादा लड़ने में ताकतवर थे। और बोला जाता है इनके जो घोड़े थे वे 3 समुद्र का पानी पीते थे। 3 समुद्र का पानी कौन कौन सा, और ये 3 समुद्र मतलब इनका तीनों समुद्री रास्तों पर नियंत्रण था। भारत में 3 समुद्र का है, पश्चिम में आप जाओगे तो अरब सागर, पूर्व में आप जाओगे तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में जाओगे तो हिंद महासागर। इसका मतलब इन तीनों क्षेत्रों पर गौतमी पुत्र सत्कर्णी का नियंत्रण था, तभी तो इनके घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते थे, ये इनके बारे में चलता। तो इन्होंने काफी बड़े, और एक और इनकी खास बात,
प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी। मतलब ऐसे आदमी नहीं थे कि अपनी अपनी चलाते हो, प्रजा के साथ जुड़े हुए थे, जनता की मानते थे। प्रजा को अगर दुख हुआ तो इनको भी दुख होता था, प्रजा को अगर सुख हुआ तो इनको भी सुख होता था। इसलिए जनता का समर्थन भी इनको काफी ज्यादा मिला, इसलिए इतना बड़ा साम्राज्य बना पाए और इन्होंने सातवाहन वंश को शिखर पर पहुंचा दिया। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये सातवाहन वंश के सबसे प्रमुख, एक तरीके से कह सकते हो, राजाओं में से एक है। अगली बात, जो अगले जो राजा हुए वो है वशिष्ठिपुत्र पुलमामी। तो वशिष्ठि इनकी माता का नाम है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। पुलमावी जी जो वशिष्ठि के बेटे हैं उनको राजा बनाया गया और इन्होंने दक्षिण भारत पर नियंत्रण किया। चोल, चेर और पांडे इन लोगों पर आक्रमण करके उनको नियंत्रण किया और वहां से धन दौलत ली। इसलिए इनको बोला जाता है दक्षिण भारत पर विजय करने की वजह से दक्षिण पथेश्वर। पथेश्वर मतलब इन्होंने दक्षिण का रास्ता दिखाया अपने सातवाहन वंश को और वहां से बहुत सारी धन दौलत लेके आए और उन राजाओं को मजबूर किया कि आप लोग हमारी जो सर्वोच्चता है उसे स्वीकार करो। तो दक्षिण भारत के राज्यों ने इनकी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। साथ में इसने अमरावती, अमरावती जो महाराष्ट्र में ही पड़ता है, वहां पर एक स्तूप जो अशोक ने बनवाया था, अमरावती स्तूप, उस स्तूप की मरम्मत भी करवाई। इससे पता चलता है कि ये लोग ब्राह्मण धर्म से होने के बावजूद उदार थे, क्योंकि ये अमरावती स्तूप किसका है? बौद्ध धर्म का। और ये लोग कौन है? ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने उदारता दिखाई और कहीं ना कहीं ये दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे। ये भी सारी चीजें इसके। तो ये हमने देखा सातवाहन के राजा, साथ में उनकी राजधानियां और उन्होंने क्या क्या किया। साथ में सातवाहन की जो संस्कृति है वो भी काफी ज्यादा फेमस है, उसके बारे में हम जानेंगे कि भाई सातवाहन लोगों की जो संस्कृति है उसमें हमें क्या चीजें दिखती हैं। इनके यहाँ कुछ चीजें नई आई जो हमारे मौर्य काल के बाद के भारत में दिखाई देती। तो इनकी संस्कृति में ऐसी नई चीजें क्या थी, कैसे इन्होंने भारत में अपनी संस्कृति को या अपने कल्चर को प्रमोट किया, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सातवाहन की संस्कृति, इससे जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई सातवाहन की संस्कृति कैसे थी। तो इनकी संस्कृति, और संस्कृति का मतलब क्या होता है? खान पान, वेशभूषा या समाज में जो लोग प्रचलित थे कि भाई भगवान को मानते थे नहीं मानते थे, ये सब संस्कृति को बनाता है। पहली बात, सातवाहन शासक मात्र सत्तात्मक थे, मतलब महिला को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देते थे और हमें दिखता भी है। गौतमी पुत्र सत्कर्णी मतलब गौतमी का पुत्र, तो अपनी माँ का नाम उपयोग करते थे राजा अपने से आगे, माँ का नाम उपयोग, इसलिए एक तरीके से मात्र सत्तात्मक है। आज के समय पिता का उपयोग किया जाता है, इसलिए वो क्या है? पितृसत्तात्मक। ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, पहली बात तो ये है। और ऐसे कम बहुत शासक हैं जहां पे मातृसत्तात्मक ये सारी चीजें हमें दिखे, उनमें से एक है सातवां। अगली जो बात है इनके बारे में, दैवीय सिद्धांत मतलब ये देवता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे और इन राजाओं ने बोला हम लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं। और भगवान के प्रतिनिधि हैं तो भगवान ने हमें आदेश दिया है कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करें, इसलिए आप लोग सब लोग समझदारी से अपना सम्मान, अपनी जिम्मेदारी हमारे कदमों में रख दो या एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने की। और इनके यहाँ जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म हमें दिखाई देता है। इन्हीं लोगों ने भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन भी किया और मूर्ति पूजा में क्या, राजा की मूर्ति भी रखी जाती थी, राजा को भी भगवान की तरह दर्जा दिया जाता था।
लेकिन अन्य धर्मों के प्रति ये उदार थे। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण धर्म था तो अन्य धर्मों को नहीं मानते, अन्य धर्मों के प्रति उदार। और अभी हमने देखा कैसे वहां पर वशिष्ठीकृत पुलवामी ने मरम्मत करवाई अमरावती स्तूप की, तो अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे, उनका विरोध नहीं करते थे। साथ में एक सातवां शासक हाल हाल जो इनका शासक था वो एक पुस्तक लिखता है, उससे भी हमें कुछ चीजें इनकी संस्कृति के बारे में पता चलती हैं। तो हाल की जो पुस्तक है उसका नाम है गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती। एक चीज याद रखना, जहां पर आपको सप्त दिखता है थोड़ा अलर्ट हो जाना, थोड़ा ध्यान रखना। 7 नंबर इनको काफी ज्यादा फेवरेट था, सातवान वालों को, तो हर जगह 7 नंबर का यूज करते हैं। तो गाथा सप्तसती इन्होंने पुस्तक लिखी, और साथ में इसमें कुछ बताया गया कि कैसे भाई हम लोग ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, साथ में हम लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं, साथ में भूमि दान भी देते हैं। ये सारी चीजें हमें गाथा सप्तसती इन ग्रंथ में जो हाल ने लिखा उसमें पता चलती कि भाई ये लोग कैसे एक तरीके से करते थे। साथ में इसकी जो रचना है वो जो भाषा है जो इनकी राष्ट्रीय भाषा थी प्राकृत, उसी भाषा में, प्राकृत एक तरीके से स्थानीय भाषा थी, जैसे अभी ब्रजभाषा है, हिंदी की खड़ी बोली है, राजस्थानी है, भोजपुरी है, ये सारी चीजें। और इससे कहीं ना कहीं राजा से लगाव होता है, जब राजा स्थानीय भाषा का यूज करता है तो प्रजा को लगता है कि ये हमारा ही तो है, तभी तो हमारी भाषा को उपयोग कर रहा है। ये सारी चीजें इनके यहाँ मिलती। साथ में इसके दरबार में, हाल के दरबार में एक और लेखक रहते थे जिनका नाम था गडाड। तो गडाड एक लेखक रहते थे हाल के दरबार में, और गडाड ने भी कुछ चीजें लिखी। और गडाड ने क्या लिखा, गडाड ने लिखा वृद्ध कथा। वृद्ध कथा, वृद्ध मतलब क्या होता है, बड़ा, कथा मतलब कहानी, एक बड़ी कहानी इन्होंने लिखी, और उसमें भी इन्होंने सातवाहन साम्राज्य के बारे में बताया, वहां के लोगों के बारे में बताया, कैसी सारी चीजें थी, ये सारी चीजें भी इनको। अगली चीज इनके यहाँ जो हुई भूमि दान, पहली बार भारत में भूमि दान की प्रथा सातवाहनों ने चलाई, जो मौर्यतर काल की विशेषता है। और ये लोग भूमि दान देंगे जब यज्ञ करवाएंगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। और इस भूमि दान प्रथा की वजह से क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे राज्य भी बनने स्टार्ट हुए, जिसे हम कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था हमें दिखाई देती है। सामंतवाद का मतलब क्या होता है, जब अलग अलग रोज अपनी जमीनों पर, जैसे बड़े बड़े जमींदार होते हैं, कब्जा कर लें और साथ में अपने आप को उस क्षेत्र का राजा घोषित कर दें। तो धीरे धीरे सातवाहन में ये भूमि दान की प्रथा से इन्हें हानि भी हुई, हानि हुई, धीरे धीरे राज्य के पास जो क्षेत्र था वो कम होता गया और ये सामंतवादी लोग शक्तिशाली होते रहे। और फिर एक टाइम ऐसा रहा कि भूमि दान देने की वजह से सातवाहन राजाओं को एक तो राजस्व कम मिला क्योंकि जमीन ही कम थी, दूसरा इन लोगों से चुनौती भी मिली, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका पतन भी हो गया। तो पतन होने के कारण में भूमि दान की प्रथा का काफी बड़ा योगदान है इन लोगों के उसमें। तो ये हमने जाना सातवाहन लोग, पहले हमने जाना कि भाई इनकी संस्कृति कैसी है, मातृसत्तात्मक, महिला माँ के नाम का उपयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो एक, अगर वैसे नहीं याद ना रहे, क्योंकि हमने देखा गौतमी पुत्र सत्कर्णी, ये सारी चीजें। देवता का सिद्धांत, भगवान के प्रतिनिधि आपको मानते हैं, ब्राह्मण धर्म की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा पर विश्वास है, राजा की भी मूर्ति मिलती है, और अन्य धर्मों के प्रति उदार है। हाल शासक ने गाथा सप्तसती ग्रंथ लिखवाया जो प्राकृत भाषा में था, स्थानीय भाषा में था। इनके दरबार में एक गण्य रहते थे जिन्होंने वृद्ध कथा एक बड़ी कहानी लिखी, भूमि दान की प्रथा चलाई जिसकी वजह से अलग अलग छोटे छोटे राज्य बने और सामंतवादी व्यवस्था, और ये सामंतवादी व्यवस्था इनके पतन का कारण बनी। तो ये हमने जाना सातवाहन के बारे में, भाई सातवाहन लोगों ने जो सूर्य की पूजा करते थे,
साथ में सातवाहनों की बात करते थे, उन्होंने कैसे अपना साम्राज्य चलाया। अगला जो हमारा है चेदी वंश, जो उड़ीसा के आसपास वाले क्षेत्र में है, उसके बारे में हम देखेंगे। चेदी वंश ने क्या क्या चीजें की। चेदी वंश जो उड़ीसा और उड़ीसा के कलिंग वाले क्षेत्र में, जहां कलिंग युद्ध हुआ था, और हमें पता चलता है अशोक के 13वें स्तंभ में कि भाई उसने कलिंग युद्ध लड़ा और वहां पर उसने बहुत सारे लोगों को मारा। चेदी वंश उड़ीसा, उड़ीसा का जो पूर्वी तट है कलिंग, उस क्षेत्र में हमें चेदी वंश एक तरीके से दिखता है। चेदी वंश उड़ीसा और उड़ीसा का कलिंग क्षेत्र, ये चेदी वंश का एक पूरा वो है। चेदी वंश के बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो इसके एक राजा खारवेल, इन्होंने बहुत सारा काम किया, इसलिए चेदी वंश काफी ज्यादा फेमस भी हुआ। और ये आके एक महान सम्राट के रूप में बने। सबसे पहली बात, इन्होंने हाथी गुफा अभिलेख, गुफाओं को काट के पूरा एक अभिलेख बनाए, और इसका मतलब इनके पास वो तकनीक थी जिससे गुफाओं को काटा जाए। हाथी गुफा अभिलेख, उसमें बहुत सारी बातें भी लिखी, और इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल के समय एक तो नहरों का निर्माण किया गया, दूसरा मौर्य साम्राज्य के समय जो नहरें बनी थी उन नहरों की मरम्मत करवाई गई या उनको फिर से जिंदा किया गया। इन नहरों के निर्माण से क्या होगा, क्योंकि भू राजस्व इनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत है, और अगर सिंचाई सुविधा हो तो कहीं ना कहीं जो हमने कर्ल भी पढ़ा था, देव मात्रक और अदेव मात्रक भूमि, अदेव मात्रक मतलब ऐसी भूमि जो वर्षा पर निर्भर ना हो, सिंचाई पर एक तरीके से चले, तो इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। और हमें जिक्र मिलता है कि मौर्य साम्राज्य के समय नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने, मौर्य काल के समय नंद वंश का एक रूलर महापद्म नंद ने कलिंग वाले क्षेत्र में नहर बनवाई थी। उस नहर का दोबारा से मरम्मत करवा के सिंचाई सुविधा किसने अवेलेबल करवाई, खारवेल ने। तो खारवेल ने वहां की जनता का ध्यान रखा, इसकी वजह से उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी मजबूत हुई खारवेल की। साथ में खारवेल के बारे में एक और चीज पता चलती है कि ये जैन धर्म को मानता था, इसका मतलब चेदी वंश वाले जैन धर्म वाले थे। और इसने उदयगिरी, उड़ीसा में ही उदयगिरी की गुफाओं में, उदयगिरी की गुफा जिन्हें कहते थे खंडगिरी, वहां पर विहार बनवाए। विहार का मतलब क्या होता है, आवास क्षेत्र, आवास क्षेत्र जहां पर कोई रहता है, आवास। और ये विहार किसके लिए बनवाए, जैन भिक्षु के लिए। जैन भिक्षु जो इन विहारों में रहते थे और उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी को काटकर इन्होंने ये सब करवाया। जैसे आपने बहुत सारे क्षेत्रों का नाम सुना होगा, जैसे मयूर विहार, दिल्ली के आसपास आपको बहुत सारी ऐसी सोसाइटी दिख जाएंगी जो विहार, तो विहार का मतलब है आवास। तो जैन और बौद्ध धर्म में दो चीजें चलती, एक होता है चैत्र, दूसरा होता है विहार, जो हम आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते, चैत्र और विहार। चैत्र का मतलब क्या होता है, पूजा गृह, जहां पर पूजा होती है उसे कहते हैं हम चैत्र। विहार का मतलब क्या होता है, आवास क्षेत्र, ये है विहार जहां पर लोग रहते हैं। तो ये लोग चट्टानों को काटकर, राजा लोग इनके लिए चैत्र बनवाते थे और साथ में विहार।
जैसे इसको आप याद रख सकते हो, बिहार वाले जो लोग हैं वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, इसका मतलब वहां पर घर भी होगा, आवास भी होगा। और चैत्य मतलब चेतना को जगाने के लिए, अपने मन को जगाने के लिए हम अर्चना और पूजा जो करते हैं वो किसका भाग है? चैत्य का। तो ऐसे हमने जाना कि कौन कौन से शासक जो सेंट्रल इंडिया में, केंद्रीय भारत और साथ में उत्तर भारत में एक तरीके से रूल करते थे, और कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ साम्राज्य बनाया, उसके प्रमुख कुछ शासक। ऐसा ही एक चेदी वंश उड़ीसा कलिंगा वाले क्षेत्र में जाकर एक प्रमुख राजा खारवेल, जिसने हाथी गुफा अवलेख बनवाया, उसमें लिखा हुआ है कि खारवेल ने नहरों का निर्माण करवाया और मौर्य काल के नंद वंश ने, जो महापद्म नंद ने नहरें बनवाई, उनको भी सही करवाया। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए या बौद्ध भिक्षुओं के लिए उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ी को काटकर बिहार बनवाया, आवास क्षेत्र बनवाया और उनको जैन भिक्षुओं को दान में दे दिया। चैत्य मतलब पूजा ग्रह, विहार मतलब आवास वाला क्षेत्र। अब अगर हम इनकी क्षेत्र की बात करें तो आप मैप में, आपके पास भी मैप होगा तो मैप में भी आप देख सकते हैं, ये वाला हमने लास्ट मैप देखा था अशोक वाला, कि अशोक का क्षेत्र ये फैला हुआ था, और ये वाला इधर वाला जो मैप है ये उस टाइम की बात करता है। यहाँ पर ये कनिष्का है जो ऊपर एक तरीके से दिखाई देता है, जो विदेशी है जम्मू कश्मीर के आसपास। ये वाला जो क्षेत्र है ये सका है गुजरात के आसपास। ये वाला जो क्षेत्र जिसको हम सातवान कह रहे थे वो वाला, इधर वाले क्षेत्र में कलिंगा में चेदी वंश उड़ीसा के आसपास दिखाई देता है, और ये नीचे चोल चेर पांडे ये संगमेश की बात है। तो अभी हमने ये सारी देख लिए, अब हमारे दक्षिण भारत के चोल चेर पांडे ये वाले क्षेत्र बचे हैं, इन क्षेत्रों को हम कल देखेंगे। तो ये सारी चीजें, हो सके तो आप एक आंसर भी लिख के ले आना, और एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं जो आपके टेस्ट भी होगा आपका नेक्स्ट सैटरडे, इस सैटरडे जो आएगा, इस सैटरडे आपका टेस्ट होगा, और जिसमें आपको पता है कि आपके टॉपिक क्या क्या है, कांग्रेस से लेकर क्रांतिकारी आंदोलन तक। तो ऐसे ही रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन कर लेना, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में किए गए योगदान का उदाहरण सहित वर्णन करें, उदाहरण सहित वर्णन करें। ये आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, 200 शब्दों में लिखने ना। इसका फ्रेमवर्क मैं बता देता हूं, भूमिका में आपको क्या लिखने को पड़ेगा, क्रांतिकारी आंदोलन क्या, इसका परिचय देना पड़ेगा। ये आपका भूमिका होगी कि भाई क्रांतिकारी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें युवा लोगों ने बम और पिस्तौल की राजनीति के थ्रू ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालने की बात। अगली बात, इनका योगदान। तो योगदान के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रसार है देश में हुआ, साथ में विदेश में भी हुआ। देश में बहुत सारे लोग जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, इन्होंने लीड किया। विदेश में भी हमें बहुत सारे देखते हैं, जैसे पेरिस में मैडम भीकाजी कामा, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन हाउस, साथ में गदर पार्टी, ये तरीके से विदेश में दिखते हैं, जहां भाई परमानंद हैं। ये सारी चीजें आप दिखाओगे कि कैसे इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। और सबसे बड़ी बात, निष्कर्ष में आप बताओगे कि क्या इनके योगदान से हमें फायदा हुआ। तो बेशक ये आंदोलन व्यक्तिगत वीरता को लेके चला था, लेकिन इसने देश के अंदर एकता की भावना जगाई, साथ में युवाओं को देश से जोड़ दिया, और भारत में राष्ट्रवाद और साथ में समाजवाद की धारणा को जन जन तक पहुंचा दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने या युवाओं ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी।
तो ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है जो इन्होंने अपने उसमें प्ले किया। साथ में कुछ षड्यंत्र का भी जिक्र कर सकते हो, लाहौर षड्यंत्र केस, उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को दिल्ली षड्यंत्र केस, लॉर्ड हार्डिंग, रास बिहारी बोस ने बम फेंकने की कोशिश की, साथ में ककोरी कांड, ये उदाहरण है कि कैसे क्रांतिकारी आंदोलन चला। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो आप इसको लिख के आना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर मैं चेक करके दे दूंगा।